बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अभी शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। अभी आया हूँ मैं अमरूद तोड़ने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये पौधे हैं जी मेरे पीछे अमरूद के, तीन पौधे हैं। तो इन तीनों से अमरूद तोड़ने हैं। आप लोगों को भी दिखाता हूँ कैसे तोड़ रहा हूँ, कितने तोड़े हैं दोस्तों। देख सकते हैं अभी हम अमरूद तोड़ने के लिए आए हुए हैं, काफ़ी अमरूद लगे हुए हैं अभी, क्योंकि गर्मी हो गई है तो अभी पकना काफ़ी स्टार्ट हो चुके हैं। वो अभी तोड़ेंगे जो जो हमें पके हुए मिलेंगे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अमरूद जो थे वो तीनों बूटों को मैंने तोड़ लिए हैं। ये अभी सारे इकट्ठे करके शापर में डालूँगा, कुछ डाल लिए हैं। ये साथ में टहनी है टूट गई और कुछ इधर पड़े हुए हैं इसके अंदर, और अभी वो शापर में पड़े हुए हैं। अभी पानी आ गया तो मुझे जल्दी जल्दी अमरूद इकट्ठे करने हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये टहनी है टूट गई तो इनको जाके बकरियों को डाल देंगे। और साथ में माशाल्लाह काफ़ी दिनों बाद अमरूद तोड़े हैं तो ऐसे मिले हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त, ये ताज़ा और फ्रेश, तो इंशाल्लाह खाएंगे। तो तोड़ने बहुत मुश्किल थे और मक्खी बहुत ज़्यादा थी। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी पानी लगाना है, रात को लगना है, तो पहले उसको खाद डाल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप खाद कैसे डाली जाती है, ये सब्ज़ी है उनको खाद का यह छट्टा दिया जाता है, इस तरह खाद डालते हैं। ये गंदम है उसको भी इसी तरह डाली जाती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि पानी में आप भिगो दें, जहाँ से पानी जा रहा था तो वहाँ पे भिगो देते हैं या ड्रम के अंदर, तो वो थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं, उसके अंदर भी सारी वो फसल को चले जाती है फिर पानी, इस तरह भी खाद मुकम्मल हो जाती है। और ये भी तरीका ठीक है, वो भी तरीका ठीक है। तो दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं, देसी विलेज, देसी मतलब गाँव का ऐसा माहौल होता है, गाय भैंसे रखी होती हैं। ये वैसे सारी भैंसे ही, सॉरी ये गायें हैं सारी भैंसे, इनमें से कोई भी नहीं है, ये छोटा बच्चा बच्ची है ये, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, ये इनकी माँ है। और ये देखें बच्ची को, राय के फूल तोड़े हुए हैं और कुछ गप्पियों में मगन है, इंजॉय कर रही है, शहर से आई हुई है। ये देखें साथ में ये शर्मा रही है, साथ में ये बकरी वगैरह, एक बकरी की ना टांग टूट गई है तो आज ये नुकसान भी हो गया है। अभी अमरूद की जो वो टूटी हुई थी शाखें वो इधर ला के मैंने डाल दी, इनको ये खा रही हैं सारी। तो दोस्तों मैंने अमरूद वगैरह तोड़ लिया, ये पीछे छापर पड़ा हुआ है मेरे, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों से जाते हुए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।